दोस्तों आज हम करने वाले हैं सोल लैंड 2 के एपिसोड 99 को फुल एक्सप्लेन। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो एक बार देख लेना, वो सभी चैनल पर अवेलेबल है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम शैन को देखते हैं जो हुआ युहाओ को इस बीस्ट के बारे में बताना शुरू करते हैं। ये बीस्ट जिस जगह भी होता है उस जगह को बाकी के बीस्ट भी अपना घर बना लेते हैं, जिससे कि वो इस जैसी सुप्रीम एजिस्ट बीस्ट के करीब रह सके, जिससे कि उन्हें काफी ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं और इन बेनिफिट से उनका फ्यूचर समृद्ध हो जाता है। और इस बीस्ट के पास सच में इम्प्रेसिव लेवल की एक स्पिरिट पावर है जो कि फ्यूचर में तुम्हारी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने में काफी बड़ी मदद करेगी। जबकि वुल्फ बीस्ट बार बार इस चीज के लिए मना कर रहा होता है और वुल्फ बीस्ट को इस तरीके से लड़ता देख हुआ युहाओ भी काफी हैरान होता है और शैन वुल्फ बीस्ट से इसे रेजिस्ट ना करने के लिए कहते हैं। और शैन के इमेंस प्रेशर के चलते थ्री आइड गोल्डन लान बड़ी ही आसानी से अपने घुटनों पर आ जाता है और प्रेशर की वजह से इसका सिर भी जमीन पर टिक जाता है। और जैसा कि शैन ने युहाओ को बताया था, युहाओ वैसे ही अपने फोरहेड को इसकी थर्ड आई पर रखता है जिस वजह से इनके बीच में से गोल्डन लाइट निकलने लगती है। और इस तरफ शैन ना ही जानते थे और ना ही समझते थे कि यह थर्ड आई कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है इस स्पिरिट बीस्ट के लिए। और अगर इसकी थर्ड आई के आसपास का गोल्डन एरिया रजिस्ट करता तो यह आत्महत्या करने में हिचक चाहता भी नहीं है। और इसके थर्ड आई के आंख के दिल में इस गोल्डन लान के काफी बड़े रहस्य छिपे हुए हैं। और शैन इस चीज को देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होते हैं और यह मन में कहते हैं, क्या ये बीस्ट काफी ज्यादा थक चुका है या फिर यह अपनी बेकार सी जिंदगी को खत्म करना चाहता है। और तभी काफी स्ट्रांग और रहस्यमयी पावर फॉरेस्ट में दिखाई पड़ती है और ये लाइट वहाँ से आ रही होती है जहाँ पर वो मिस्टीरियस सकल बना होता है और यहाँ तक कि यह फैलते हुए वोंगडोंग और सीओ के पास तक पहुँच जाती है, जिस वजह से ये भी इस सीन को देख पा रहे होते हैं। और जब वोंगडोंग इस मिस्टीरियस लाइट को देखता है तो यह इसे काफी अजीब दिखती है, जिस वजह से इसे काफी ज्यादा अजीब सी फीलिंग आती है, जैसे कि कोई चीज हमेशा के लिए जा चुकी है। और जैसे ही वो सकल यहाँ से गायब होता है तो चीजें पहले की तरह नॉर्मल और शांत हो जाती है। और इस तरफ हुआ युहाओ अपने हाथ को फोरहेड पर फेरते हुए मन ही मन वुल्फ बीस्ट से कहता है, क्या ये तुम्हारी कीमती यादें हैं? जिस पर वुल्फ बीस्ट कुछ भी नहीं कहती है। और इस तरफ शैन हुआ युहाओ से पूछते हैं, क्या सब ठीक है क्या? और यहाँ तक कि इस मिस्टीरियस सकल से बाहर आने के बाद भी हुआ युहाओ एकदम ठीक होता है। और फिर शैन इन सभी को लेके उड़ के फॉरेस्ट के बाहर आ जाते हैं और श्रेक अकेडमी के बॉर्डर पर आके रेड लाइन किंग के आने का इंतजार करने लगते हैं, जिससे कि यह और भी ज्यादा परेशानियों से बच सके। और इस उड़ान के दौरान युहाओ मेडिटेट रहा होता है और धीरे धीरे उन सभी बदलावों को महसूस कर रहा होता है जो कि उस स्पिरिट बीस्ट से आए थे। और यह भी महसूस करता है कि इसकी जो खुद की थर्ड आई है वह भी काफी अंदर तक बदल गई है और ग्रे बॉल हुआ युहाओ के थर्ड आई में रहता था, वह भी इन बदलाव को देखता है। हुआ युहाओ इससे पूछता है, क्या हुआ, तुम इंजर्ड हो गई हो? जिस पर ग्रे बॉल कहता है, मैं ठीक हूँ। वैसे तो डेस्टिनी की पावर की जो स्ट्रेंथ है वो वाकई में काफी अमेजिंग है, लेकिन इसका मुझ पर कोई भी असर नहीं हुआ है। और डेस्टिनी की पावर को सुनकर हुआ युहाओ भी थोड़ा सा चौंक जाता है। तो ग्रे बॉल बताता है कि यह तुम्हें उस बीस्ट ने दी है और ये तुम्हारे ब्लड के अंदर समा गई है और तुम्हें नई पावर दी है, और इस स्किल की पावर तुम्हारी थर्ड आई में है और इस वजह से तुम्हारी थर्ड आई का नाम मिंग यू एस क्यू यान हो गया है। इसका मतलब कि आई ऑफ डेस्टिनी, और जो लोग भी तुम्हारी आई ऑफ डेस्टिनी को देखेगा तो तुम अपनी इच्छा के अनुसार उसकी डेस्टिनी को बदल सकते हो। और भाई लोग, ये जो पावर युहाओ को मिली है इसकी मदद से ये दोलू कॉन्टिनेंट के अंदर किसी को भी हरा सकता है। और जैसा कि मैंने आप लोगों से पूछा था कि आपको हुआ युहाओ और टंगसन में से कौन ज्यादा पसंद है या फिर कौन ज्यादा स्ट्रंग लगता है, आप लोगों में से ज्यादा लोग टंगसन को पसंद करते हैं। और हाँ, आपने ये भी कहा है कि टंगसन ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट पसंद है, लेकिन आप लोगों को ये बात अच्छे से जान लेना चाहिए, हुआ युहाओ एक ऐसी पसंद है जो फ्यूचर में टंगसन से भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग होगा। आप लोगों में से कुछ लोग पूछेंगे, आखिर ऐसा कैसे? तो मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करके एक बार जरूर बताना अगर चाहिए तो। ग्रे बॉल हुआ युहाओ से कहता है, तुम्हें डेस्टिनी की पावर के द्वारा ब्लेस किया गया है और ये तुम्हें किसी खतरे के बिना नहीं मिली है, इसलिए तुम्हें सीखना होगा कि इस पावर को कैसे कंट्रोल किया जाता है। और अब तो तुम दोनों की ही डेस्टिनीज जुड़ गई है। और डेस्टिनीज का जुड़ने वाली बात को सुनकर हुआ युहाओ थोड़ा सा चौंक जाता है और कहता है कि मतलब कि गोल्डन लान की और मेरी? तो ग्रे बॉल कहता है, तुम दोनों ही डेस्टिनी की पावर से एक साथ बन गए हो और अब जब तुमने अपनी यादों को उसके साथ शेयर किया है और इसके अंदर हम तीनों ही इंक्लूड होते हैं और अब वो हम तीनों के बारे में जानता है और बाद में तुम्हारी डेस्टिनी में तुम्हारे और उस लाइन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगी
और शायद तुम्हें ऐसा भी लगता हो कि यह सिर्फ समय की बर्बादी है। हालांकि अगर तुम एक दिन कल्टीवेशन के शिखर पर पहुंचना चाहते हो तो तुम्हें सिर्फ उन चीजों के ऊपर ही फोकस करने की जरूरत नहीं है जो कि सिर्फ तुम्हारी पावर को ही बढ़ाते हो। और करीब आधे घंटे बाद रेड लाइन किंग लौट आता है और यह अपने साथ 10,000 ईयर पर्पल स्पिरिट फॉक्स को लेके आया हुआ होता है, जिसके बदले में ये 3-eyed गोल्डन लान को ले सके। और फिर शैन से धन्यवाद कहते हुए कहते हैं, यह वाला भी चलेगा, लेकिन जो तुम्हारे पीछे है लगता है कि वो अपने आप को सामने लाना नहीं चाहता है, तो क्या तुम एक्सप्लेन कर सकते हो कि ऐसा क्यों है? और तभी आसमान में काले से बादल आ जाते हैं जिनमें से आवाज आती है, तुम जो चाहते थे तुम्हें वो मिल गया ना, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। और यह किंग अपने फेम की गारंटी देता है कि यह मसला यहीं पर खत्म हो होता है और इस मैटर को आगे नहीं खींचा जाएगा। और इस एम्परर की वजह से वोंगडोंग काफी चौंक जाता है और कहता है कि मैंने सोचा ना था कि स्टारडू फॉरेस्ट का जो किंग होगा उसका भी कोई बॉस होगा। तो शैन कहते हैं, अच्छा तो तुम एम्परर हो, ये तो काफी अच्छी बात है और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। और फिर ये लोग गोल्डन लान को आजाद कर देते हैं और फिर शैन तुरंत ही इन तीनों की टीम को अपने साथ लेके श्रेक एकेडमी लौट जाते हैं। और इस तरफ एम्परर कहता है, बदमाश तुम बात नहीं मानते हो, वो इंसान सब में सबसे खतरनाक था, अगली बार से प्रोटेक्शन एरे से बाहर मत निकलना। और इसकी बात के लिए गोल्डन लाइन बीस्ट मान जाता है और यह कहता है कि उस इंसान ने कहा कि तुम मुझे ऐसे इसलिए ट्रीट करते हो क्योंकि मैं तुम्हारे लिए यूजफुल हूँ, और जब मैं तुम्हारे लिए यूजफुल नहीं रहूंगा तब तुम मुझे किसी बेकार चीज की तरह फेंक दोगे। तो एम्परर कहता है कि बदमाश लड़के तुम्हें पता होना चाहिए कि इस दुनिया के अंदर ऐसी काफी सारी चीजें हैं जिन्हें यूजफुल माना जा सकता है, लेकिन हम स्पिरिट बीस्ट के लिए वैल्यू जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, खासकर हमारे बीच में। और 10,000 साल साथ में रहने के बाद मैं एक चीज निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि यहाँ तक कि अगर तुम अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट एबिलिटीज को भी खो देते हो तब भी तुम इस एम्परर के बच्चे रहोगे, और जब तक कि मैं जिंदा हूँ तब तक कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो गोल्डन लान बेस्ट कहता है, मुझे माफ करना, मैं एक अच्छा बच्चा नहीं हूँ जो मैंने आपके ऊपर डाउट किया। और फिर ये दोनों एक साथ अपने घर चले जाते हैं और आखिरकार यह पोसाइडन पवेलियन लौट आता है और शैन तुरंत ही हुआ युहाओ को 10,000 ईयर ओल्ड स्पिरिट बीस्ट दे देते हैं मारने के लिए और इसे गाइड करते हैं इसे एब्जॉर्ब करने में। और हुआ युहाओ को इसे एब्जॉर्ब करते देख शैन कहते हैं, ये तो सच में काफी ज्यादा टैलेंटेड है जो यह इतनी कम उम्र में 10,000 ईयर स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब कर पा रहा है, और देख के ऐसा लगता है कि वो जो मिस्टीरियस आर्ट है वो सच में एजिस्ट करती है जिसका हुआ युहाओ ने पहले जिक्र किया था, और यह टैंकसेक्ट के डिसेबल कहलाने के काबिल है। और इस तरीके से मुझे अब पूरी तरीके से राहत मिल गई है और यह ट्रिप इतनी भी बुरी नहीं थी, और चलो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे मुलाव को भी अपनी रिपोर्ट देनी होगी। और जैसे शैन मुलाव को देखते हैं तो ये काफी ज्यादा घबरा जाते हैं क्योंकि मुलाव एकदम चुपचाप बैठे हुए थे और तो और इनका चेहरा ग्रे पड़ गया था जैसे कि यह बेजान हो, और ये तब बिल्कुल भी ऐसे नहीं दिखते थे जब यह इन्हें छोड़ के गए थे। और यह घबराते हुए पूछते हैं, मुलाव क्या आप ठीक है? तो मुलाव कहते हैं, शैन वो बच्चा भाग गया है। और इस चीज को सुन के शैन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और यह कहते हैं कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, और वो तो आपकी सील के अंदर थी ना, तो वह कैसे उससे बच के भाग सकती है? तो मुलाव कहते हैं, हमने उसे अंडरएस्टिमेट किया, एक बंदा शिटाओ की सील के पास आया और उसे तोड़ दिया जिस वजह से शिटाओ भागने में कामयाब हो पाए, और जब तुम यहाँ से चले गए थे तब एकेडमी के ऊपर दुश्मनों ने अटैक कर दिया था, इसलिए एल्डर्स और मैं बाहर उन दुश्मनों का सामना करने के लिए चले गए थे, और इसी दौरान शिटाओ को अपॉर्चुनिटी मिल गई थी और वो यहाँ से भाग निकली। और वो जो अपोनेंट आया था वैसे तो वह अनजान था लेकिन वो काफी ज्यादा पावरफुल था, और वो 11 लोगों के साथ आया था और वो सभी ही डार्क स्पिरिट मास्टर्स थे, और उनमें से 4 तो ग्रैंड सोल मास्टर थे। और डार्क स्पिरिट मास्टर्स का सुन के शैन काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और यह हैरान परेशान होते हुए कहते हैं, क्या हम इसमें कुछ कर भी सकते हैं क्या? जिस पर मुलाव कहते हैं, हाँ, लेकिन देख के ऐसा लगता है कि मुझे जिस बारे में सबसे ज्यादा चिंता थी वही हो गई, और उन डार्क स्पिरिट मास्टर्स ने सीक्रेटली अपनी खुद की ऑर्गेनाइजेशन बना ली है, और हमें यह मानना चाहिए कि यह जो हुआ है यह अब तक का सबसे बुरा हुआ है, और शिटाओ के यहाँ पर ना होने वाली बात का किसी भी कीमत पर हुआ युहाओ को पता ना चले, और जितना की एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा समय लगता है हुआ युहाओ को इस स्पिरिट रिंग को एब्जॉर्ब करने में, और इस स्पिरिट रिंग को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब करने में हुआ युहाओ को करीब 3 दिन लग जाते हैं। और जब ये सूरज का सामना कर रहा होता है तो यह इस ब्यूटीफुल व्यू को काफी ज्यादा एंजॉय करता है, और यह काफी सारी रेड और गोल्डन वेव्स को एक साथ देखता है, और यह गोल्डन लाइट पूरे लैंड के ऊपर फ्लो होते हुए दिखती है, और ये लाइट के मूव करते हुए डॉट्स डेस्टिनी की एसेंट रिवर से संबंधित दिखते हैं, और यह मिस्टीरियस होने के साथ साथ अनमूवेबल भी होते हैं।
और इस अद्भुत दृश्य की वजह से आखिरकार हुआ युहाओ की थर्ड आई भी ओपन हो ही जाती है। और वैसे तो डेस्टिनी की आई काफी ज्यादा रहस्यमय होती है, तब भी यह चमकदार चमक को रिलीज कर रही होती है। और जैसे ही युहाओ तुरंत ही अपनी आंखों को खोलता है तो वह अद्भुत दृश्य तुरंत ही गायब हो जाता है और यह वाला व्यू पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा होता है। और फिर युहाओ अपनी आई ऑफ डेस्टिनी की पावर के साथ अपनी थर्ड स्पिरिट स्किल को आजमाता है, तो इसे काफी बढ़िया सरप्राइज मिलता है क्योंकि इसकी स्पिरिट स्किल वो पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा स्ट्रांग हो गई थी, और तो और इसकी स्पिरिचुअल पावर भी पहले से 3 गुना ज्यादा असरदार हो गई थी। और आई ऑफ डेस्टिनी ने हुआ युहाओ की स्पिरिचुअल कैपेबिलिटीज को काफी ज्यादा इम्प्रूव कर दिया होता है, और थर्ड स्पिरिट स्किल के साथ ही युहाओ की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई होती है और अब ये लेवल 32 के शिखर पर पहुंच गया होता है। और इसकी जो अचानक से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ी होती है तो इससे ये काफी ज्यादा खुश होता है और यह काफी मजे में आ जाता है, जिसके बाद ये पोसेडन पवेलियन आ जाता है जिससे कि यह मूलाव को अपनी प्रोग्रेस के बारे में बता सके। और एक बारी जैसे ही हुआ युहाओ टीचर का बेजान सा चेहरा देखता है तो ये भी इनके लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन इस चीज को लेकर शैन इसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करते हैं और यह बस युहाओ से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं इसके आई ऑफ डेस्टिनी को लेके, और यह कहते हैं कि तो थ्री आईड गोल्डन लान ने इस पावर को तुम्हारे साथ शेयर किया है और तुम्हें इस डेस्टिनी शब्द के मतलब का काफी गहराई से स्टडी करनी होगी, जिसके लिए हुआ युहाओ भी मान जाता है। और फिर मुलाव कहते हैं आज से तुम्हें एकेडमी से बाहर जाने की कोई भी जरूरत नहीं है और तुम 3 दिन फैन यू के साथ स्टडी करोगे और उसके अगले 3 दिन मेरे साथ स्टडी करोगे और जो आखिरी दिन रह जाएगा उसमें तुम वोंगडोंग के साथ ट्रेनिंग करोगे और यह 7 दिनों का साइकिल ऐसे ही चलेगा, वह भी बिना किसी छुट्टी के। और युहाओ आज से तुम्हें जितना हो सके उतना जल्दी अपने कल्ट को इम्प्रूव करना होगा और तुम्हारे टैलेंट के हिसाब से ये तो गारंटी है कि तुम्हारा फ्यूचर काफी ग्लोरियस होगा, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें और भी ज्यादा जिम्मेदारियों को उठाना होगा और ये टीचर उम्मीद करता है कि अगले 2 सालों में तुम्हारे पास इतनी पावर हो जिससे कि तुम आर्मी का विरोध कर सको। और तुम्हें जो डेस्टिनी की पावर मिली है इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी ने तुम्हें चूज किया है और ना सिर्फ फ्यूचर में तुम्हें श्रेक एकेडमी को प्रोटेक्ट और टैंकसेक्ट को रिवाइव करने की जरूरत होगी, बल्कि इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट यह है कि तुम ही कॉन्टिनेंट की स्थिरता और शांति को सुनिश्चित करने के लिए तुम ही जिम्मेदार होगे। और इन बातों को ध्यान में रखना और अपना बेस्ट देना और अपने टीचर्स के लेसन्स के भी काबिल बनना। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर और हो जाता है। यदि अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं इसका अगला पार्ट को कल अपलोड करूंगा।